एवरी वन होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सो आज के वीडियो के टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे तो जी हाँ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी आप जॉब ढूंढ रहे हो तो उसका इंटरव्यू का क्या प्रोसेस रहता है बेसिकली कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं एंड कौन कौन से स्टेप्स में आपके जॉब जो है लगने के चांसेस होते हैं ठीक है तो आज के वीडियो में यही बात करेंगे तो विदाउट फर्दर डिले लेट स्टार्ट दिस वीडियो स्टेप है resume, है, अपलोड योर ठीक वो चाहे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हो या फिर लिंक पे हो या किसी भी जॉब पोर्टल पे हो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि हम रिज्यूमे अपलोड करते हैं तो अब कंपनी के स्टेप्स क्या होते हैं केस आपका रिज्यूमे जो है वो सेलेक्ट हो जाता है तो सबसे पहला स्टेप कंपनी की तरफ से एच कॉल जिसको आप बोल सकते हो एच आर कॉल सबसे पहला ठीक है तो एच आर कॉल जब आती है आपको तो वो आपको पहले ई मेल कर देते हैं कि विच टाइम लाइक आपसे पूछते हैं कि कौन से टाइम पर हम बात कर सकते हैं तो जैसे भी आपकी अवेलेबिलिटी हो वो आप अपना टाइम दो उनको एंड उसके बाद जब वो बात होती है तो वो आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं एच आर आपसे कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछता एच आर बेसिकली आपसे क्या पूछता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है आपने कहाँ कहाँ पर जॉब की है और आपका एक्सपीरियंस क्या है आपको करंट कंपनी क्यों छोड़नी है अगर आप कहीं पे जॉब करते हो और वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क विद अस एंड रिमोट ऑप्शन हैं नहीं हैं कौन से स्टेट में रहते हो कौन सी सिटी में रहते हो आपका कैनेडा में स्टेटस क्या है बेसिकली स्टेटस पूछने का उनका रीज़न यही होता है कि क्या आपको कल को वीज़ा की ज़रूरत तो नहीं होगी अगर आप उनकी कंपनी में सेलेक्ट हो जाते हो तो सबसे पहला कंपनी की तरफ से स्टेप रहता है एचआर कॉल आफ्टर एच आर कॉल अगर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाता है तो आपका जो रिज्यूमे है वो शेयर होता है टेक्निकल टीम के साथ एज अ डेवलपर जितना मुझे अभी तक पता है कि हमारा रिज्यूमे जो है वो जाता है टेक्निकल टीम के पास एंड फिर उसको वो रिव्यू करते हैं तो आई थिंक और जॉब्स में भी और ऑफिस जॉब्स में भी ऐसे ही होता होगा एच आर के बाद जो भी डिपार्टमेंट में आप काम करोगे उसके टीम लीड से आपका रिज्यूमे शेयर किया जाएगा एंड अगर उसको सब सही लगता है देन उसके बाद आपको मिलेगा टेस्ट तो डेवलपमेंट में यार जो लोग डेवलपमेंट की जॉब करते हैं तो उसमें आपको मिलता है कोडिंग टेस्ट जो टेस्टिंग में है वो टेस्टिंग का कुछ भी सिनेरियोज होते होंगे ठीक है तो जितना मुझे पता है एज अ डेवलपर तो हमको कोडिंग टेस्ट दिया जाता है तो कोडिंग टेस्ट अभी यार हर कंपनी का डिफरेंट होता है कुछ कंपनीज अलाउ करती हैं कि आपको ऑनलाइन जाकर कोई भी प्रॉब्लम है वो आपको लिंक दे देते हैं एंड लॉगिन पासवर्ड दे देते हैं उसको सॉल्व करना होता है या वो एक आपको ईमेल मेल बता देते हैं कि आपको क्या करना है और इट कुड बी कि वो आपको एक कंपनी का डेवलपर देंगे एंड उसके साथ आपको वीडियो कॉल पे कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देके आपको उनको कोड करके देना है तो ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है तो बेसिकली सेकंड स्टेप में ये होता है कि टेक्निकल टेस्ट होता है आपका जो आपका टेक्निकल टेस्ट है वो आपने सबमिट कर दिया और उसके बाद आपको वेट करनी है एच के रिस्पॉन्ड की अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आपका इंटरव्यू होगा नेक्स्ट टीम लीड या टेक्निकल टीम के साथ अगर नहीं होगा तो आपको ई आएगी अनफॉर्चुनेटली वी आर मूविंग विद अदर कैंडिडेट्स बट दैट्स ओके ठीक है आपने ट्राई तो किया ठीक है इट्स ओके इंटरव्यूज देते रहो को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद चलो ठीक है अब बात करते हैं हम कि अगर आपका टेस्ट पास हो जाता है ठीक है टेस्ट पास होने के बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू रखा जाएगा टीम लीड के साथ या फिर उसमें मैनेजर भी हो सकते हैं आईटी के एंड डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की उनका कितना स्टाफ है और कौन कौन इंटरव्यू के लिए उस टाइम पे होगा तो एच आपको ये सब इन्फॉर्मेशन देगा उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है उसमें आपसे सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि कोडिंग टेस्ट तो आपने ऑनलाइन कर लिया ना तो बट उसमें वो आपसे वीडियो कॉल में क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको आंसर देना होगा तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल भी होता है इजी भी होता है ओके भी होता है ठीक है जिसका आंसर आपको पता है आप कॉन्फिडेंटली आंसर दो जिसका आपको नहीं पता यू कैन से कि आई आई डोंट नो आई एम नॉट श्योर और अगर आपको कुछ रिलेटेड उसका आंसर पता है तो आप वो शेयर कर सकते हो ठीक है बट ठीक है आपको सिर्फ कन्वर्सेशन करनी है अगर आपको क्वेश्चन पता है आंसर पता है तो आप दो नहीं तो आप उनको सिंपली बोल सकते हो नोबटी इज परफेक्ट हेयर ठीक है उसके बाद जब वो इंटरव्यू हो जाता है अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है उनके डेली वर्क टू वर्क लाइफ जो भी है उनका काम है उनका क्या टेक्सटैक है क्या कौन कौन से टूल्स पे वो काम करते हैं तो यू कैन इजीली आस्क देम ठीक है जो भी आपके डाउट्स हैं आप कंपनी का प्रोडक्ट क्या है जो भी आपके माइंड में डाउट्स हैं क्योंकि यही वो टाइम है जहाँ पे आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि टेक्निकल टीम के साथ आपका इंटरव्यू हो रहा है जहाँ पे आपको भी काम करना है तो इट्स बेटर कि वहाँ पे ही अपने सारे क्वेश्चन पूछ लो कि कैसे काम होता है कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन सा टूल्स यूज़ करते हैं जिससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस पे काम करना है अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है ठीक है अब ये इंटरव्यू हो गया फिनिश अगर आपने ये वाली स्टेज क्लियर कर ली तो यू आर वेरी क्लोज टू गेट द जॉब ठीक है जब आपका टेक्निकल टीम के साथ इंटरव्यू हो गया एंड वो क्लियर हो गया तो इट मीन्स कि आपकी सेवेंटी सेवेंटी नहीं नाइनटी परसेंट जॉब पक्की है ठीक है उसके बाद लास्ट राउंड की कॉल आती है आपको वो होती है सीईओ के साथ उसमें आपसे बेसिकली कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते नॉर्मली सीईओ आपको कंपनी का प्रोडक्ट वगैरह बताता है या कुछ और डिटेल्स बताता है और अगर आपके कोई क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हो तो बेसिकली इट्स जस्ट अ कन्वर्सेशन नॉट अ टेक्निकल थिंग तो ये होता है लास्ट इंटरव्यू और ये हर कंपनी में नहीं होता किसी कंपनी में होता है किसी कंपनी में नहीं होता इट डिपेंड्स मेरी जॉब्स uh, में दो बार ऐसा हुआ है बट बाकी की जॉब्स में सीईओ के साथ मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ तो ये ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप है ठीक है तो ये है स्टेप्स सारे इंटरव्यू प्रोसेस के एंड अगर आपको जॉब मिल जाती है तो एचआर का लास्ट ईमेल आपको आएगा विद ऑफर लेटर एंड उस ऑफर लेटर को पढ़ के अगर आपको सारी कंडीशन अच्छी लगती हैं तो कंग्रेचुलेशन आपकी जॉब लग गई है एंड उसको आपने साइन कर देना है जॉब ऑफर का जैसे आपको पता है अगर आपको सब टर्म्स एंड कंडीशन एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लेना एंड येस yes, जब भी आप जॉब ज्वाइन करते हो तो वहाँ के बेनिफिट्स क्या क्या कवर्ड है एंड आपकी बेस सैलरी क्या है आपको और कौन से ऑप्शन दिए जाएंगे कोई बोनस होगा तो ये सब बेसिक क्वेश्चन जरूर पूछना ठीक है ये थी आज की वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू बेटर प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू तो अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड यू कैन फॉर श्योर आस्क इन अ कमेंट सेक्शन एंड आई वुड बी हैप्पी टू आंसर यू तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड टेक केयर बाय बाय